लेकिन फिर लालू जी हम ये भी कहेंगे कि आप देश से ज्यादा हमारे काम आते हैं। आपके सामने आपकी मिमिक्री करते तो आपसे माफी भी मांगते थे ना, हम जानते थे कि मैं करता था तो हमको भी आनंद आता था। राजू श्रीवास्तव नहीं रहे, एक हंसाने वाला व्यक्ति सबको रुला कर चला गया, लेकिन राजू श्रीवास्तव ने जिस व्यक्ति को लेकर सबसे ज्यादा बातें कही, हाथ से व्यंग या जो भी, वो लालू प्रसाद यादव जी हैं, आरजेडी अध्यक्ष जो हमारे साथ हैं। लालू जी, राजू श्रीवास्तव नहीं रहे, आपको किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से महसूस करते हैं? पूरा हम लोग को नहीं रहने से धक्का लगा है। राजू श्रीवास्तव नेशनल लेवल पर उनके कलाकार थे, बैंकर थे, और बीच में हम लोग बहुत उम्मीद करते थे कि अभी फिर बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन आज एकाएक उनका मृत्यु का खबर सुन करके हतप्रद हो गए हैं हम लोग सभी लोग। 42 दिनों तक उन्होंने जिंदगी की लड़ाई काफी संघर्ष किया और आईसीयू में रहे और संघर्ष करते करते आज धरती पर नहीं है। चलो जी, सबसे करता हूँ सबसे ज्यादा उन्होंने आप ही लेके आपके सामने भी कई बार आपकी मिमिक्री की, आपको कैसा लगता था? ठीक लगता था कि बोलते थे कि आपसे हम लोग को रोजी रोटी चलता है, आप हम लोग के ये हैं, आइकन हैं, बहुत अच्छा आदमी है। और एड भी आता था टीवी पर, पेट सफा तब रोग दफा डेली सब लोग देखते थे। एक बार हम भी फोन किए थे कि क्या है, मैं बताओ राजू बताओ हमारा प्रॉब्लम बा, पेट में गड़बड़ी रहता है तो क्या मिलाते हैं आप लोग, कौन सी रहता है वो? तो बोले कि मामूली चीज में परिवर्तन उसमें हम लोग करते हैं आयुर्वेद का। आप पूछे काम करता है कि नहीं करता है? हाँ, काफी पॉपुलर आदमी थे सब सेक्शन में, सब सोसाइटी में। हम उनके भाई, उनके परिवार के लोगों को ईश्वर ढाढ़स दे, मजबूती थे, और लाखों करोड़ों उनके जो अनुयायी हैं उनको भी भगवान ताकत दे, ताकि हम लोग का लॉस हो गया एक आदमी, अमूल्य रत्न था वो, हंसाने वाला व्यक्ति। हाँ, हंसाने वाला आदमी थे वो, और रिलैक्स करते थे लोग। अच्छा, आपके सामने आपकी मिमिक्री करते तो आपसे माफी भी मांगते थे आगे? नहीं, हम जानते थे कि मैं करता था तो हमको भी आनंद आता था। हाँ, नहीं रहे तो हार्ट अटैक हो गया। जिम करने में ज्यादा, जिम करने से भी नुकसान ही है। नुकसान होगा। तो ये थे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, जो कि राजू श्रीवास्तव के निधन से काफी मर्माहत हैं, दुखी हैं, और उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट की है और कहा है कि उनके आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को धैर्य मिले। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना।